दोस्तों कहते हैं कि बिजनेस की शुरुआत करना बहुत बड़ी चीज होती है। दोस्तों हमारे आसपास छोटे छोटे ऐसे बिजनेसेज होते हैं जिन बिजनेसेज को अगर ब्रांड बना करके काम किया जाए तो मैं बता दूं आपको कि वहां से कम 12 लाख 14 लाख 18 लाख रुपए महीने कमाया जा सकता है। और एक ऐसा मामूली सा बिजनेस जिस बिजनेस से कुछ लोगों ने इतने पैसे कमाए जिसका आप उम्मीद नहीं कर सकते। दोस्तों आज मैं बात करूंगा ऐसे ही एक बिजनेस की फ्रेंचाइजी के बारे में जिसके साथ जुड़ करके और अगर आप चाहें तो 12 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। और अगर आप जो है अच्छा से उस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं भी करते हैं या अगर थोड़ी सी परेशानी भी होती है तो मैं बता दूं कि अगर आपने थोड़ा सा अच्छा एडवर्टीजमेंट कर दिया तो लाख रुपया तो कहीं नहीं गया है इस बिजनेस और इस फ्रेंचाइजी के साथ जुड़ने के। दोस्तों कुछ समय पहले आपने सुना था, आपने न्यूज में देखा था कि एक चाय वाले ने 12 लाख रुपए महीने कमाए हैं। और दोस्तों ये चाय वाला था, ये वाला अमृत तुल्य चाय। दोस्तों ये बिजनेस पुणे में इन्होंने किया था और इसके बाद से इन्होंने महीने का 12 लाख रुपए तक के अर्निंग किया था। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि यहां पर एक बहुत अच्छी खबर आपके लिए है कि आप इनके साथ जुड़ करके और खुद का बिजनेस कर सकते हैं, अपना खुद का बिजनेस कर सकते हैं और साथ में आप इन्हीं के ब्रांड से अपने बिजनेस को चमका भी सकते हैं। चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं सबसे पहले इसके फाउंडर की कुछ बात और देखना चाहते हैं कि ये आपके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं। बेसिकली वो 2011 में हमारे को मतलब चाय बनाने का आइडिया आ गया कि वह एक चाय को लेके हम बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि पुणे में जैसे जोशी वड़े वाले हैं, रोहित वड़े वाले हैं, वैसे चाय में कोई नाम नहीं है या ब्रांड नहीं है। तो चाय पीने वाले तो बहुत सारे लोग हैं लेकिन जैसा उनको मिलना चाहिए चाय वैसा टेस्ट चाय को नहीं मिलता। तो हमने बेसिकली उसमें 4 साल स्टडी किया और एक क्वालिटी फाइनल करके अभी हम एक चाय को एक बड़ा ब्रांड बनाने के लिए निकले पड़े। तो महीने का अभी हमारा 10 से 12 लाख रुपए सेल है दो आउटलेट मिला के। एक आउटलेट पे कम से कम रोज की 3 से 4 हज़ार चाय बिकती है। मुझे तो लगता है कि इसमें बहुत सारा रोजगार है, क्योंकि अभी बेसिकली अभी देखो कि हम जो अभी चाय बेच रहे हैं तो एक आउटलेट पे हमें कम से कम 10 से 12 लोग लग रहे हैं काम के लिए। तो अभी हम 100 आउटलेट का सोच रहे हैं तो 1000 से 12 लोगों को 5 साल के अंदर हम रोजगार देने की कोशिश कर रहे हैं। तो हाँ, उसमें रोजगार मिल सकता है और ये भी देश के लिए बहुत अच्छी बात है। कि आपने सुना कि आप अगर इनके साथ जुड़ते हैं, चूंकि ये बिजनेस को फैला रहे हैं, तो अगर आप इनके साथ जुड़ते हैं तो आप जो है अपने बिजनेस को काफी अच्छा एनहांस कर सकते हैं। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर अगर आपको फ्रेंचाइजी लेनी होगी तो आपको क्या करना होगा, कितना इन्वेस्टमेंट लगता है इस तरह के फ्रेंचाइजी को लेने के लिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि फ्रेंचाइजी के लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले होती है लाइसेंस की रिक्वायरमेंट, जो आपको रखना बहुत ज़रूरी है। इसमें जो है GST है, FSSI है जिसे फसाई लाइसेंस बोलते हैं, जो ऐसे जिससे बेसिकली फूड से रिलेटेड बिजनेस में यूज किया जाता है। इसके साथ ही साथ शॉप एक्ट के तहत आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है और ये तीनों की तीनों सर्विस जो है वो हमारी पोर्टल startupauthority.in पर अवेलेबल है। आप चाहें तो वहां से GST, फसाई और शॉप एक्ट के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि कितना एरिया रिक्वायर्ड होगा इस बिजनेस को शुरुआत करने के लिए। तो दोस्तों मैं बता दूं कि 250 से 300 स्क्वायर फीट की एरिया की रिक्वायरमेंट होगी और उसके साथ में कुछ अच्छा स्पेस भी होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं दोस्तों फ्रेंचाइजी फीस की, क्योंकि अगर कोई ब्रांड अच्छा चल पड़ता है तो उसकी फ्रेंचाइजी फीस जो होती है वो बिल्कुल बनती है। अब उन्होंने 3 लाख रुपए की फ्रेंचाइजी रखी हुई है, 3 लाख रुपए की फ्रेंचाइजी रखी हुई है। अब थोड़ा सा जानते हैं इन्वेस्टमेंट की। दोस्तों यहाँ पर इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज्यादा है और 3 लाख के अलावा जो है 10 लाख रुपए जो मैं बता रहा हूँ, ये 10 लाख रुपए आपको फिटिंग वगैरह वगैरह में खर्च होगा, जो आपका डेकोरेशन वगैरह होगा। और आप इनके साथ 5 साल के लिए एक बारी फ्रेंचाइजी लेने के बाद जुड़ सकते हैं और आपको उसके बाद से फ्रेंचाइजी रिन्यूअल की जरूरत पड़ेगी। स्टोर ओपन करने की जो टाइमिंग है वो 5 बजे सुबह से लेकर के 10 बजे शाम तक है और 365 दिन ये जो है उपलब्ध रहेगा। और साथ में मैं बता दूं दोस्तों कि अगर आपको इस तरह के बिजनेसेस के बारे में जानना है तो आप जो है हमारे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के चेक कर सकते हैं लिंक, वहां पर कंप्लीट डिटेल जानकारी दे दी गई है।
आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे वहाँ पे कहीं भी कमेंट करिए, आपको पूरा पूरा जानकारी दिया जाएगा। अपने आप को रजिस्टर कीजिए ताकि इसी तरह की जो अपडेट्स आती हैं वो आपके पास मिलती रहे। और दोस्तों ये एक ऐसा बिजनेस है जो हमेशा चलेगा, हर लोगों के साथ हर सिटी में चलेगा। उसका रीजन क्या है कि इनकी जो चाय है वो बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, बहुत सस्ती चाय है। और अगर आप ब्रांड के साथ चाय की दुकान खोलते हैं या चाय का बिजनेस करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो है काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल सकता है। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें पसंद आई और आपको इन्फॉर्मेशन पसंद हुआ। और बाकी की सारी डिटेल के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी जाकर के देख सकते हैं, वहां पर कंप्लीट जानकारी दी गई है। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन प्रॉब्लम है तो फटाफट इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा ताकि हम इसी तरह की वीडियो सबसे पहले आपके पास भेज सकें और आपको अपडेट कर सकें उन तमाम फ्रेंचाइजीज के बारे में जिसके बारे में आप आगे सुनेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, जय भारत।